हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं रिंकी गॉड आपका स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 2 बजे से। अभी 2 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं पोटा साहिब। तो ये देखिए गौर जी, अरे ये है गुन्नू और हम तीनों के तीन जा रहे हैं। और अभी हम हैं उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर पर। यहाँ से आगे हिमाचल का बॉर्डर लग जाता है। तो ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है और ये देखिए ये मेरे पीछे है नाला। देखिए कितना बड़ा नाला है, पूरा पानी पानी दलदल वाला नाला है ये। बहुत सारा दलदल, इसे वो लास्ट में जाने तक पूरा दलदल से भरा हुआ है ये। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ से, रोड का भी बहुत अच्छा नज़ारा है। ये मेरे पीछे देखो पूरी नदी है इतनी बड़ी, और यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। तो सामने देखिए छोटे छोटे बोट, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जिसमें झूले वूले लगे हुए हैं। और ये है बच्चों का खेलने का, और मेरे पीछे ये बच्चों के लिए ना ब्रिज भी बना हुआ है। तो इधर से चढ़ेंगे, उधर से ब्रिज पे जाएंगे और वहाँ भी एंड हो गया। तो यहाँ पे ये गुन्नू खेल रहा है, ये देखिए। मार्केट में बहुत उत्तराखंड राज्य पतंजलि पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देखिए पोटा साहिब में पहुँच गए हैं। यहाँ पे अभी आगे है और सामने है कुछ पोटा साहिब में पहुंच गए हैं। ये दीदी भी है हमारे साथ और ये है विनायक। तो अभी मार्केट में हैं हम, और गुनू भी है। गुनू भी बोल रहा मैं भी हूँ कि, तो हम लोग अभी पैदल पैदल लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं थी इधर से आना। तो आगे गुरुद्वारा यहाँ से, ये है पोटा साहिब का मार्केट। और ये अब हिमाचल में आ जाता है, उत्तराखंड की सीमा यहीं से ख़त्म हो जाती है। पोटा साहिब भी हिमाचल में आता है। ये मार्केट है, मार्केट मतलब ये गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरुद्वारा जाने का रास्ता है, ये देखिए यहाँ से आगे। अभी हम पोटा साहिब में आ रखे हैं और यहाँ पे सामने है गुरुद्वारा। अभी गुरुद्वारा में हैं हम और सामने यमुना नदी बहती है, तो उधर के साइड ही जा रहे। सोचा जब यहाँ तक आए रखे तो आया होगा बाबा का बुलावा। अभी गुरुद्वारे में है, आपको दिखाते हैं यहाँ से आगे। अभी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से देखो, ऊपर से लेके नीचे जाने तक, जमुना माई तक जाने का सीढ़ियाँ हैं इधर। और सारे लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं नंगे पैर। देखिए नंगे पैर हैं। देखिए यहाँ पे जमुना माई का बिल्कुल बहाव है, बट यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं है। सामने पुल के पल्ली तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जमुना माई बहते हुए शोर करते हुए आती है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं है। देखिए कितना शांत स्वभाव है गंगा मैया का, सॉरी जमुना मैया का। तो यहाँ पे ये गुरुद्वारे की मान्यता है कि यहाँ पे गंगा माई ना बिल्कुल मतलब शोर ना हो, इसीलिए गंगा माई यहाँ पे बिल्कुल शांत होके बहती है।